हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी, मैं रमजान सर। तो दोस्तों, जैक बोर्ड के यानी झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है, जैक बोर्ड के लिए दसवीं में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा और बारहवीं में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी में अलग अलग लाना है या मिला करके लाना है, ये सारी डाउट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए, जैक बोर्ड 2023 के लिए पासिंग मार्क्स क्या है। जैसा कि पता है, इस बार जो है सिर्फ सिंगल टर्म में ही एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो इधर हम यहाँ टेंथ वालों की बात करेंगे इस तरफ, और उधर हम ट्वेल्थ वालों की बात करेंगे। तो चलिए पहले हम विस्तार से टेंथ वालों को हम बता देते हैं कि आखिर पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए। जैसा कि देखिए, टेंथ में 5 सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, और देखिए सब में जो है ना आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का पेपर होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सब में 20 मार्क्स इंटरनल हो जाएगा, यानी कि स्कूल के तरफ से 20 मार्क्स मिलता है। ये जनरली सबको 18, 17, 20, 19 मिल ही जाता है, तो टोटल हो जाता है 100, टोटल 100 हो जाता है। लेकिन अब रही बात कि ये जो 80 मार्क्स का जो थ्योरी का पेपर होगा, उसमें आपको सेपरेटली पास करने के लिए कितना लाना होगा, कितना लाना होगा। तो जैसा कि देखिए, यहाँ पर 80 का आप निकालोगे 33%, जैसा कि पता होना चाहिए जब भी पासिंग मार्क्स होता है 33% पे होता है, 33% मतलब कि 33% पे पास होता है। जैसा कि मान लीजिए, अगर हम पूरा 100 को अगर निकालना चाहेंगे, 100 का 33%, तो 100 का 33 और बटा में ये 100, 100 से 100 गया, आया कितना हमको फाइनल, ये 33 आया। तो 33 मार्क्स चाहिए, 100 का 33% 33 आता है। ठीक इसी प्रकार से 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, थ्योरी होता है क्लास टेंथ में, उसका 33% पास करना है। तो देखिए, 33% अगर करेंगे तो 33 और अपॉन ये 100, 0 से 0 गया, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 83 हो गया 24, 24 अधो 26 हो गया, और नीचे हो गया 10, और यहाँ पे पॉइंट डालेंगे ख़त्म, यानी कि 26.4 आया। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली 26 मार्क्स ही लाना है, 27 नहीं लाना है, 26 मार्क्स लाना है, 26 आता है पास। हाँ, 26 से कम नहीं आना चाहिए, अगर 26 से अगर कम आता है आपको, 20, 22, 23 आता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट आ सकता है, फेल हो सकते हैं। फिर 20 मार्क्स का जो इंटरनल है, इसमें पास होने के लिए देखिए 20 का भी 33% ही लागू होगा, तो 33% लागू होगा, तो 0 से 0 गया, और 3 दुनी 6, और 3 दुनी 6, और यहाँ पर यह 10 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 6.66 समथिंग, ये इसको 6 ही माना जाता है, ठीक है, 6 ही माना जाता है, इसको आप जोड़ोगे यानी कि समथिंग 7 माना जाता है, ऐसे 6.6 है तो 7 आ जाएगा, तो 7 मार्क्स ये हो गया, और प्लस में ये 26 मार्क्स ये हो गया, प्लस कितना हो गया, 33 मार्क्स हो गया। अगर इस तरीके से क्लास टेंथ में अगर आता है तो फिर आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ पर यह देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे आपको इंटरनल में 18 मिल गया, ठीक है, इंटरनल मिल गया 18 में, आप सोचोगे कि अब बचा कितना 33 में 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स अगर मान लो कि थ्योरी में आप ले आए हो, तो आप कहोगे कि ये जोड़ने पर 33 हो गया है, तो ये आप जो है ना फेल माने जाओगे, यानी कि आप फेल हो जाओगे। क्यों फेल हो जाओगे? क्योंकि इसमें जो है आपको थ्योरी में सेपरेटली पास करना है 33% के हिसाब से, तो 80 का 33% आपको पता हो गया था कि 26 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि 26 मार्क्स लाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, तभी जाकर के इस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, सब में यही फंडा है, यही प्रक्रिया है, और कुछ भी नहीं, सब आप दिमाग लगा सकते हो। किसी एक में अगर कम रहेगा तो फिर आपको कंपार्टमेंट आ जाएगा, फेल हो जाओगे आप, ठीक है। तो टेंथ वालों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब ट्वेल्थ वालों, अब इधर ध्यान दीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा, चाहे आर्ट से रहिए, चाहे कॉमर्स से रहिए, या साइंस से रहिए, तीनों स्ट्रीम को हम बताने वाले हैं, ठीक है, सबको पूरा सब्जेक्ट हम लिख दिए हैं, बस ओनली आप अपना 5 सब्जेक्ट अप्लाई कर लेना, 5 सब्जेक्ट,
ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या ETC सब्जेक्ट हम ले लिए हैं, इसमें से किसी पांच पर ही लागू होगा। ये देखो हिंदी इंग्लिश सबका पता है कि पूरा 100 मार्क्स का होगा, तो 100 में आपको 33% पास करना है, तो 33 बटे कितना होता है 100 हो जाता है। ठीक है, तो देखो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो यानी कि आ गया 33 मार्क्स, तो फिर आपको पूरा आउट ऑफ 100 में 33 मार्क्स लाना होगा, 33 से कम आएगा 28, 27, 26, तो फिर आप फेल माने जाओगे। ठीक है, ये बात हो जाता है। अच्छा, और जो मान लो कि 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, मान लो कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, आप दिमाग लगा लेना जितना मार्क्स का पेपर हो, 80 है, 70 है, 100 है, 80 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें आपको सेपरेटली तो आपको 26 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, 26 मार्क्स लाना ही होगा। जैसा देखिए क्लास टेंथ वालों के लिए 80 में 33% निकाले थे, 26 मार्क्स आया था, 26 मार्क्स लाना पड़ेगा। और मान लो कि ये जब 80 मार्क्स का पेपर होगा तो 20 वो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, तो 20 में आपको इंटरनल समथिंग 7 मार्क्स लाना पड़ेगा और ये हो जाता है 33 मार्क्स। तो देखो इंटरनल का चिंता नहीं करना है, क्योंकि स्कूल से मिल ही जाता है, 20 में 18, 17, 16, 19, 20 किसी को तो 20 में 20 मिल जाता है, तो उसकी चिंता नहीं करना है। सिर्फ आपको थ्योरी में पास करना है, मन लगा करके पढ़ना है, जम करके, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो भी समझ में आए, कुछ भी आए, उससे रिलेटेड लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, अच्छा जो 70 मार्क्स का पेपर है, मान लो 70 मार्क्स का फिजिक्स ही है, 70 मार्क्स का, और 20 मार्क्स 30 मार्क्स प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, ये 70 क्या है, थ्योरी है, और ये 30 जो है हमारा क्या है, प्रैक्टिकल का मार्क्स है। तो 70 में पास होने के लिए कितना लाना होगा, तो देखिए 70 का 33% निकालेंगे, तो देखिए इस तरीके से 0 0 गया, ये 7 3 21, 7 3 21 2 23, यानी कि दशमलव बैठेगा यहाँ एक अंक के बाद, यानी कि 23 मार्क्स आया, कितना आया 23 आया, मतलब 23 आया। अब बचा कितना, तो 10 मार्क्स बचा, तो मिनिमम जो है कम से कम 30 में भैया 10 मार्क्स नहीं आएगा, अरे 25, 26, 27 से ऊपर ही आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे कम से कम 10 ही लिया जाता है, तो प्रैक्टिकल के बोले ना, प्रैक्टिकल इंटरनल की चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको थ्योरी में लाना है उतना। ठीक है, 70 मार्क्स के पेपर में 23 मार्क्स लाना ये कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, इससे कम आएगा तो फिर आप फेल हो जाओगे, ये बात हो जाता है। अच्छा, 100 वाला भी बताइए दिए है, 80 वाला भी बताइए दिए है, 70 वाला भी बताइए दिए है, मतलब पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो ही गया है। अच्छा, लेकिन वही एडिशनल सब्जेक्ट होगा जिनका, तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं, जिसका 6 सब्जेक्ट होगा अगर एडिशनल में पास हो जाए, ठीक है, और बाकी 5 जो मेन सब्जेक्ट है उसमें फेल हो जाए, तो फिर कैसे पास होगा, रिप्लेस कैसे होगा, तो उसके लिए मैं हम बहुत जल्दी वीडियो ला रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर ना समझ में आए तो फिर से इसको जो है स्किप करके पीछे बैक करके इसको देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, 80 मार्क्स के पेपर में थ्योरी में जो है आपको 26 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लास 12th में क्या है, अगर 100 मार्क्स है तो उसमें 33 मार्क्स लाना होगा, आराम से ले आओगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यार इतना मजा है, आराम से ला सकते हो। 80 मार्क्स से 26 लाना है इंटरनल में, ठीक है, जो 70 है उसमें 23 मार्क्स लाना है, यही पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, जैक बोर्ड का, यानी कि झारखंड बोर्ड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।